ठीक है बेटा, डायनोफ्लेजिलेट्स पढ़ रहे थे बेटा। एक बार हम किंगडम मोनेरा पूरा खत्म हो चुका था हमारा, तो किंगडम प्रोटेस्टा हम पढ़ रहे थे। किंगडम प्रोटेस्टा में डायनोफ्लेजिलेट्स को हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो अगर हम हमने किंगडम प्रोटेस्टा का पूरा चार्ट पढ़ लिया था। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, इसमें प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं और तुम्हारे डिकम्पोजर्स भी होते हैं। तो हम प्रोड्यूसर्स में सबसे पहले डायनोफ्लेजिलेट्स पढ़ रहे थे, डिवीजन पायरोफाइटा क्लास डायनोफाइसी। तो उनको प्रोटेस्ट विद टू फ्लैजिला भी बोला जाता है। ये मोस्टली मैराइन एनवायरनमेंट में मिलते हैं, मैराइन जहाँ पे जैसे सी हो गया, ओशंस हो गया, तो ये हम लोगों को डायनोफ्लेजिलेट्स वहीं मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक तो है ही। अच्छा, इनका हम देख रहे थे जो स्ट्रक्चर, जो इनका सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा बहुत थिक होती है। सेल वॉल जो होती है डायनोफ्लेजिलेट्स की बहुत ज्यादा थिक होती है, इतनी ज्यादा थिक होती है जिसके कारण ये किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है और बहुत ज्यादा थिक होती है। इसे लॉरिका भी बोलते हैं, थीका भी बोलते हैं, इसलिए इसकी वजह से इसको आर्मर्ड डायनोफ्लेजिलेट्स बोलते हैं, आर्मर्ड। ठीक है, बहुत ज्यादा थिक होती है। उसके बाद देखा था इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला होता है। ठीक है, दोनों फ्लैजिला अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसलिए हेट्रोकॉन्ड बोला गया है। ये दोनों फ्लैजिला इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं, इसलिए जब वो पानी में क्या करता है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता रहता है और आगे स्विम भी करता रहेगा, इसलिए उसे बोलते हैं वर्लिंग वेव्स। इसकी मूवमेंट मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ वर्लिंग वेव्स की कैसे होती है। उसके बाद हमने देखा था कि जो डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं वो ना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में है, ना तो प्रोकैरियोट्स एक्चुअली ना यूकैरियोट्स है। क्यों? क्योंकि इनको मीजोकैरियोटिक बोला गया, क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियर एनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है जैसे यूकैरियोट्स में मिलती है, लेकिन इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। प्रोकैरियोट्स में भी हिस्टोन नहीं होते हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स में भी नहीं है। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर एनवलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो डायनोफ्लेजिलेट्स पे है। तो प्रोकैरियोट जैसे भी इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ यूकैरियोट जैसी भी, इसलिए उसको बोला है मीजोकैरियोटिक। तो डायनोफ्लेजिलेट्स आर मीजोकैरियोटिक इन नेचर। ठीक है, इनके फ्लैजिला के बेस पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलता है, उस कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को हम फिस्यूल बोलते हैं, मैंने यहाँ लिखा था फिस्यूल। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किसमें हेल्प करता है? ऑस्मोरेगुलेशन में, ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखता है, अपनी सॉल्ट कंसंट्रेशन बाहर के सी के एनवायरनमेंट से मेंटेन रखता है, उसको बोलते हैं हम ऑस्मोरेगुलेशन। तो जो हम लोगों ने बेटा पॉइंट्स पढ़े इसके, एक तो आर्मर्ड डायनोफ्लेजिलेट्स क्यों बोलते हैं, ये आना चाहिए, आर्मर्ड डायनोफ्लेजिलेट्स इनको क्यों बोला जाता है। ठीक है, तुम लोगों को आना चाहिए इनको वर्लिंग विप्स क्यों बोला जाता है, वर्लिंग विप्स क्यों बोला जाता है। तुम लोगों को आना चाहिए इनको मीजो कैरियोटिक क्यों बोला जाता है, इनको मीजो कैरोटिक क्यों बोला जाता है। ठीक है, और इनके जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पिस्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन में काम आता है, इसमें काम आता है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो मिलता है, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होगा। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गा में था भाई क्लोरोफिल ए था, ठीक है, कैरोटीनॉइड था, जैंथोफिल्स थे, फाइकोराइथिन, फाइकोसाइनिन, ये हमने पढ़ा था। तो डायनोफ्लेजिलेट्स में कौन से क्लोरोफिल होते हैं वो हम पढ़ रहे हैं, कौन से पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, तो ये मैं मार्क करती हूँ इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो इनके अंदर होते हैं, मैं लिख देता हूँ, क्लोरोफिल, मैं तो बोला था कोई भी फोटोसिंथेसिस करता है इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म, उसमें क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, क्लोरोफिल ए होता है इसके अंदर। ठीक है, क्लोरोफिल ए डेफिनेटली है इनके अंदर, क्लोरोफिल सी भी होता है, क्लोरोफिल सी होता है इनके अंदर, कैरोटीन होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जैंथोफिल होता है, जैंथोफिल होता है। तो ये इनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए बेटा ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट सारे। ठीक है, क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स और जेंटोफिल। ठीक है, जेंटोफिल की वजह से इसका कलर होता है कुछ ब्राउन, ब्राउन येलो कलर आता है इसमें। ठीक है, तो बेटा ये इसका हम लोगों ने देखा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। नेक्स्ट है इसका रिजर्व फूड, इसका रिजर्व फूड स्टार्च है। जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस है, क्या फूड स्टोर करते हैं? स्टार्च।
तो इसका भी रिजर्व फूड क्या आएगा, स्टार्च, ठीक है, तो इसका भी रिजर्व फूड स्टार्च है, इम्पोर्टेंट था। अच्छा बेटा, कुछ ये नेक्स्ट पॉइंट है जो पढ़ रहे हम, कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, वो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, उनमें ट्राइकोसिस्ट होता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं लिख देता हूँ लाइन, फिर समझाता हूँ इस पॉइंट को। सम डाइनोफ्लैजिलेट्स हैव, मैं बताता हूं उसको, ट्राइकोसिस्ट, एंड नीडोब्लास्ट, ठीक है। ये क्या होता है, सुनो, ये ट्राइकोसिस्ट और नीडोब्लास्ट पॉइजनस स्टिंगिंग ऑर्गन है। ये क्या काम करते हैं, अगर सपोज करो डाइनोफ्लेजिलेट है, ठीक है, एक डाइनोफ्लेजिलेट है, इस पर ट्राइकोसिस्ट होते हैं, ये क्या है, इसके ट्राइकोसिस्ट, या फिर इसको नीडोब्लास्ट। अगर कोई सपोज करो प्रीडेटर आया, कोई ऑर्गेनिज्म आया, कोई फिश आई, या कोई ऑर्गेनिज्म आया, बड़ा कोई ऑर्गेनिज्म आया, ये इसको इसको ईट करने, इसको खाने आया, इसको ये डाइनोफ्लेजिलेट है, इसको इससे खतरा है, तो ये क्या करेगा, डाइनोफ्लेजिलेट अपने स्टिंगिंग ऑर्गन ट्राइकोसिस्ट ना इसके अंदर स्टिंग कर देगा, जिसकी वजह से पॉइजनस होते हैं ये, तो पॉइजनस होते हैं तो इनको दिक्कत हो जाएगी, ये जो प्रीडेटर होगा, प्रीडेटर को क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं पॉइजनस होते हैं, तो ये ट्राइकोसिस्ट एनिमल किंगडम में भी मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ सारे पे नहीं, कुछ पे, कुछ डायनोफ्लेजिलेट्स पे स्टिंगिंग ऑर्गन मिलते हैं। स्टिंगिंग ऑर्गन मतलब किस में काम आते हैं, ये प्रोटेक्शन के, उनके ये प्रोटेक्शन के काम आते हैं। तो उनको अगर कोई प्रेडेटर आ रहा है, उनको नुकसान पहुंचाने आ रहा है, तो ट्राइकोसिस्ट और नाइडोब्लास्ट क्या करते हैं बेटा, ये स्टिंगिंग ऑर्गन प्रेडेटर पे जाके स्टिंग कर जाएंगे और उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास ट्राइकोसिस्ट और नाइडोब्लास्ट होते हैं फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बेटा, ये शायद पूछे तो तुम बता सकते हो उसको, प्रोटेक्शन के काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आप सुनो, अगर हम आगे बात करें तो आगे इनकी लाइफ साइकिल के बारे में, तुम लोगों को मैंने एक चीज बताई थी, जायगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस। तो कोई बच्चा मुझे बताएगा कि जायगोटिक मियोसिस हो रही है तो कौन सी लाइफ साइकिल, या गैमेटिक मियोसिस हो रही है तो कौन सी लाइफ साइकिल? यस बेटा बोलो। हेप्लॉन्टिक हाँ लाइफ साइकिल है, और एम्ब्रियोनिक है तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। बेटा, हाँ, अगर तुम्हारी गैमेटिक मियोसिस है, गैमेटिक मियोसिस तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, अगर जाइगोटिक मियोसिस हो रही है तो वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी। ये हमने लाइफ साइकिल में डिस्कस किया था, तुम्हें बना के भी दिखाई थी। तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा इसको हम जानेंगे, इंपॉर्टेंट भी है। डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, जाइगोटिक मियोसिस होती है और गैमेटिक मियोसिस भी मिलती है, क्या, अब सुनना। जैसे एक एग्जांपल है डायनोफ्लेजिलेट्स का, ज्यादातर जो जितने भी डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं उनमें जाइगोटिक मियोसिस होती है, जैसे क्रेटियम, ये डायनोफ्लेजिलेट है, मेंबर है, जिम्नोडियम, ये भी डायनोफ्लेजिलेट है, ठीक है, इनमें कौन सी मियोसिस मिलती है, इनमें जाइगोटिक मियोसिस मिलती है। तो जाइगोटिक मियोसिस तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ज्यादातर डायनोफ्लेजिलेट में यही मिलता है, मोस्टली कॉमन यही है, ठीक है। गैमेटिक मियोसिस ये एक्सेप्शन, एक्सेप्शनल है, ये एक्सेप्शन है, कहाँ मिलता है ये एक्सेप्शन, एक नॉक्टुलुका डायनोफ्लेजिलेट उसमें मिलता है, किसे मिलता है, नॉक्टुलुका में, ठीक है, तो ध्यान रखना नॉक्टुलुका में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो कॉमन कौन सी है, कॉमन डायनोफ्लेजिलेट्स में ये है, जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, बाकी एग्जाम्पल है। अच्छा, कुछ सम पॉइंट्स, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख देता हूँ, फिर खत्म होगा ये। अब सुनो, जो इम्पोर्टेंट है हम लिखने जा रहे हैं बेटा, कुछ डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, मैं लिख देता हूँ, सम डायनोफ्लेजिलेट्स शोज बायोल्यूमिनेसेंस, बायो
ल्यूमिनेसेंस। ये बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, ये जैसे अगर हम बात करें, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ बायोल्यूमिनेसेंस पिक्चर। ये देख रहे हो, ये ओशंस है बेटा। ये ओशंस तुम देखोगे तो ये कलर नजर आ रहा है। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब अंधेरे में ये ओशंस पूरा का देखो, पूरा कलर नजर आ रहा है। ठीक है, और भी देखो, तुम्हें और दिखाता हूँ। ये सारे ओशंस हैं, ये सारे देखो, ये ओशंस हैं और सीज है, और इसमें देखो ये चमक रहा है, ये देख रहे हो चमक रहे हैं ये। अगर तुम्हें दिख रहा हो जैसे, देखो इस पिक्चर में चमक रहा है ये देखो चमक रहा है, ये देखो कितना अच्छे से दिख रहा है, ये चमक रहा है अंधेरे में। तो बेटा ये ऐसा क्यों होता है, ओशंस रात में ऐसे क्यों चमकते हैं? क्योंकि कुछ डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। ल्यूमिनेसेंस मतलब चमकना, बायो मतलब तुम्हारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं ऐसा। तो बायोल्यूमिनेसेंस मतलब जो लाइट को एमिट करे, एमिट लाइट। ठीक है, तो कुछ डायनोफ्लेजिलेट्स बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे नॉक्टुलिका, नॉक्टुलिका ठीक है, पायरोसिस्टिस, पायरोसिस्टिस ठीक है। तो ये बेटा कुछ डायनोफ्लेजिलेट्स हैं जो क्या शो करते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट। कुछ ऐसे डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं जो कि, जैसे मैं बताता हूँ, सम डायनोफ्लेजिलेट्स, सम डायनोफ्लेजिलेट्स लाइक जिम्नोडियम ग्रोज इन लार्ज नंबर, ग्रोज इन लार्ज नंबर एंड कॉजेस रेड टाइड, एंड कॉजेस रेड टाइड। ठीक है, तो एग्जाम्पल जिम्नोडियम भी करता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, जिम्नोडियम, एक है गोनियोलिक्स। तो बेटा इसका क्या मतलब है, कुछ डायनोफ्लेजिलेट्स वो इतने ज्यादा नंबर में ग्रो कर जाते हैं, तो वो जो ओशन होता है, जो सी होता है, वो लाल रंग का नजर आता है, रेड टाइड। ध्यान रखना, रेड सी अलग था, रिमेम्बर दैट। रेड सी कौन कॉज कर रहा था, कोई बच्चा बताएगा? रेड सी वाला कौन था? ट्राइकोडेसिमियम इराइथ्रियम। वेरी गुड। रेड सी को कॉज करता था ट्राइकोडेसिमियम इराइथ्रियम, ट्राइकोडेसमियम इराइथियम, डेट इज अ मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा, डेट इज अ मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा, बीजीए है। लेकिन रेड टाइड अगर पूछता है, तो रेड टाइड को कॉज करने वाले डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं, जैसे गोनियोलिक्स, गोनियोलिक्स जिम्नोडियम। तो रेड टाइड बेटा अगर पिक्चर दिखती है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ रेड टाइड की भी। सी ये जो है ना, रेड टाइड जो कॉज हो रही है, रेड टाइड है सारी। देखो अगर तुम इस सी को देखोगे तो रेड नजर का नजर आएगा, देख लो लाल रंग का नजर आ रहा है ये रेड। तो ये रेड नजर क्यों आ रहा है यस सारा? सर, हाँ, ये जो रेड नजर आ रहा है, क्योंकि ये कुछ डायनोफ्लेजिलेट्स का नंबर बढ़ जाता है, जैसे जिम्नोडियम और गोनियोलिक्स, तो वो रेड टाइड कॉज करते हैं। रेड सी अलग है, रेड टाइड अलग है, थोड़ा ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स से तुम्हें आना चाहिए। एक पॉइंट और एक्स्ट्रा जो लिखना है मुझे, तो सुनना उसको बेटा। कुछ डायनोफ्लेजिलेट्स होते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं, सम डायनोफ्लेजिलेट्स लाइक गोनियोलिक्स, सम डायनोफ्लेजिलेट्स लाइक गोनियोलिक्स, गोनियोलिक्स प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन, प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, उस टॉक्सिन को नाम भी लिख दे, कॉल्ड एज सेक्स टॉक्सिन, टॉक्सिन का नाम है ये। ठीक है, इनटू द सी, इनटू द सी, एंड दिस टॉक्सिन इज पॉइजनस। ठीक है, एंड ये लिखते हैं विच इज पॉइजनस, विच इज पॉइजनस, पॉइजनस होता है ये, विच इज पॉइजनस टू वर्टिब्रेट्स।
वर्टिब्रेट्स के लिए पॉइजनस होता है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स तो समझ गए, फिशेज ये सब आ गए इसमें, ठीक है। और अच्छा, और ये क्या काम करता है, सुनना ध्यान से, ये जो पॉइजन होता है, अगर कोई एक्वेटिक फिश खा ले इस पॉइजन को, ठीक है, तो क्या काम करेगा ये, उसको डिजीज कर देगा। पी लिख दूं, एंड कॉजेस, एंड कॉजेस पीएसपी, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग, पैरालिटिक शेल फिश पॉइजनिंग। तो ध्यान रखना कि कुछ डायनोफ्लाजेलेट जैसे गोनोलिक्स होता है, ये गोनोलिक्स ये क्या काम करता है, टॉक्सिन क्रिएट करता है, सैक्सोटॉक्सिन, जो कि क्या कर देता है, पैरालिसिस कर देता है, पैरालिटिक मतलब पैरालिसिस शेलफिश पॉइजनिंग। तो ये पॉइंट थोड़ा हमें ध्यान रखना था जो कि इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायनोफ्लाजेलेट सारे पढ़ लिए, तो कुछ एक बार जल्दी से इसको रिविजन कर लेते हैं डायनोफ्लाजेलेट के कुछ पॉइंट्स में। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो। कुछ डायनोफ्लाजेलेट जैसे गोनोलिक्स टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है सैक्सोटॉक्सिन। ये टॉक्सिन जो होता है पॉइजनस होता है वर्टिब्रेट्स के लिए, और उनके अंदर पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग कर देता है, मतलब पैरालिसिस कर देता है, ठीक है। तो ये इसका लास्ट। तो कुछ पॉइंट्स जो तुम्हें हमेशा याद रखने डायनोफ्लाजेलेट्स के बारे में, एक पेज पे इसको समराइज कर लेते हैं डायनोफ्लाजेलेट्स को, तो समरी बना लेते हैं इसकी। तो तुम्हें क्या याद रखना होगा, इसके अंदर इसको आर्मर्ड क्यों बोलते हैं, आर्मर्ड क्यों होता है, ठीक है, ये पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। वर्लिंग विप्स क्यों बोलते हैं ये पता होना चाहिए। वर्लिंग विप्स हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला होता है ना, दो हेट्रोकॉन्ट टू फ्लैजिला, ठीक है, ये पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इसके बाद तुम्हें रेड टाइड के बारे में पता होना चाहिए। रेड टाइड, तुम लोगों को बायोलुमिनेसेंस के बारे में पता होना चाहिए, बायोलुमिनेसेंस कौन कॉज करता है। तुम लोगों को पता होना चाहिए पीएसपी के बारे में, सेक्सेटॉक्सिन, जो भी बताया था, ठीक है। अच्छा, और तुम लोगों को क्या बताना चाहिए, तुम लोगों को बताना चाहिए मीजो कैरोटिक होते हैं ये मीजो कैरोटिक क्यों होते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, न्यूक्लियर एनवलप होता है, ठीक है। तुम लोगों को ये बताना चाहिए कि मीजो कैरोटिक पिस्यूल, पिस्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो फ्लैजिला के बेस पे था, ये इसके बारे में बताना चाहिए, जो क्या करता है ऑस्मो रेगुलेशन। फोटोसिंथेटिक है तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटेनॉइड्स, जैंथोफिल, थोड़ा ये याद रखना होगा, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स तो होते हैं ना इनके अंदर। कुछ डायनोफ्लाजेलेट्स जो होते हैं उनमें अंदर स्टिंगिंग ऑर्गन्स होते हैं, मतलब स्टिंगिंग ऑर्गन्स प्रोटेक्शन के लिए, ट्राइको सिस्ट, ट्राइको सिस्ट होते हैं, अच्छी आएगा, और नाइडो ब्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ एग्जांपल याद रखना, जैसे नॉक्टुलिका, ये चमकता है रात में, बायोलुमिनेसेंस शो करता है, गोनियोलिक्स ये याद रखना, ठीक है, जिम्नोडियम, जिम्नोडियम याद रखना, जितने भी डायनोफ्लैजेलेट्स हैं हेप्लॉन्टिक है, लेकिन नॉक्टुलिका एक एक्सेप्शन है। नॉक्टुलिका का एक्सेप्शन क्यों है, ये कैसे होता है, ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इसकी, बाकी सबकी कैसी होती है, हेप्लॉन्टिक, ये एक्सेप्शन है। तो बेटा ये डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया, तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को आने चाहिए। एक बार देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है, एनसीईआरटी के भी पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं बेटा। देखो डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में क्या बोलती है एनसीईआरटी, एक बार देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, रीड करेंगे साथ में। दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैराइन, ये ज्यादातर मैराइन होते हैं पढ़ा था, एंड फोटोसिंथेटिक हमने पढ़ा था। इनका कलर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट इन देयर सेल्स, ठीक है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सर्फेस, मैंने इसलिए बोला था इनको आर्मर्ड बोला जाता है। आर्मर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है और बहुत थिक होती है। मोस्ट ऑफ देम टू फ्लैजिला, हमने पढ़ा था, दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। इन अ फॉरो बिटवीन द वॉल प्लेट, फॉरो में होता है,
जैसे ये है हमारा, तो एक फ्लैजिला इसके अंदर है, फॉरो में अंदर, और एक फ्लैजिला अंदर फॉरो से आ रहा है, ठीक है, ट्रांसफर। तो फ्लैजिला कहाँ होता है? फॉरो में होता है। ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था रेड टाइड के बारे में हमने डिस्कस किया था, रेड टाइड, जैसे गोनुलिक्स अंडरगोज रैपिड मल्टीप्लिकेशन, दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स, टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल और अदर एनिमल। मैंने बताया था टॉक्सिन का नाम भी बताया था, सेक्सेटॉक्सिन, और क्या कॉज करता है? पीएसपी, हमने डिजीज का नाम भी पढ़ लिया था। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में उन्होंने बस इतना ही दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों ने ज्यादा पढ़ा है तो तुम लोगों को सब आना चाहिए बेटा। ये डायनोफ्लैजिलेट्स पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इसमें हमने कुछ नहीं छोड़ा है। नेक्स्ट जो हम आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो है बेटा क्राइसोफाइट्स। मैं यहां लिख देता हूँ क्राइसोफाइट्स, तो स्पेलिंग देख लेते हैं, क्राइसोफाइट्स डिवीजन है, क्राइसो फाइटा डिवीजन, ठीक है। तो हम क्राइसोफाइट्स पढ़ रहे हैं, इनका डिवीजन है। तो क्राइसोफाइट्स में कौन कौन आता है? क्राइसोफाइट्स में पता है डायटम्स आते हैं, क्राइसोफाइट्स में डेस्मीड्स आते हैं। ये जो डेस्मीड्स होते हैं बेटा, इनको गोल्डन एल्गा भी बोलते हैं, ये एनसीआरटी में है तो पूछ सकता है, गोल्डन कलर की होती है, तो तुम पे सिंपल पूछेगा कि गोल्डन एल्गा क्या होती है, तो तुम क्या बोलोगे? डेस्मीड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, देखो ये, अब ध्यान सुनना, डायटम्स जो होते हैं बेटा, डायटम्स मेनली मैराइन होते हैं, जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स थे ना, तो डायटम्स भी मेनली कैसे? मैराइन। मेनली क्या होते हैं? ये मैराइन, ठीक है। अच्छा, ये जो डेस्मिड्स होते हैं, डेस्मिड्स मेनली फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है। इनमें थोड़ा डिफरेंस ये जानना बस, मेनली मैराइन डायटम्स और मेनली फ्रेश वाटर। ये तो हम लोग इसमें, हम लोग ना जो पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायटम, स्ट्रक्चर ऑफ डायटम, डायटम का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सुनना, अगर मैं बात करूं डायटम के स्ट्रक्चर की, ध्यान सुनेंगे, इनकी जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे समझेंगे, जैसे सोप बॉक्स होता है ना बेटा, सोप बॉक्स, सोप बॉक्स अगर इमेजिन करो, जो ऊपर वाला कवर होता है सोप बॉक्स का, वो थोड़ा बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा, ऊपर वाला कवर नीचे वाले बॉक्स के उसमें फिक्स हो जाता है, जैसे तुम्हें समझाते हैं, अगर कोई डिजाइन मिलता है उससे मैं समझाता हूँ सोप बॉक्स के डिजाइन। देखो जैसे ये है, सपोज करो ये वाला है, ठीक है। अगर हम देखें ये सोप बॉक्स, एक सो बॉक्स को, अगर एक कवर ये है इसका, अगर एक कवर हम इसको ये देखें, ये अपर वाला कवर है और नीचे ये लोअर है, तो जो अपर वाला कवर है वो जब उसको बंद करेंगे तो फिक्स हो जाएगा ना लोअर वाले कवर पे, तो सो बॉक्स ये है। तो सिमिलरली जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना बेटा, डायनोफ्लैजिलेट्स का स्ट्रक्चर सो बॉक्स जैसे होता है, एक ऊपर वाला लेयर होती है, उसको हम एपिथीका बोलते हैं, एपिथीका, नीचे लेयर को बोलते हैं हाइपोथीका। तो जो एपिथीका होती है वो हाइपोथीका पे फिक्स हो जाती है, तो इसको सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें आना चाहिए। तो डायनोफ्लैजिलेट से अगर तुम कोई पूछे तो क्या बोलोगे? इट इज सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, इनकी जो पहला पॉइंट थोड़ा ये ध्यान रखना, इनका जो सेल वॉल होती है ना बेटा, सेल वॉल, इनकी सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की, प्लस सेलुलोज के साथ इसमें सिलिका बहुत होता है, सिलिका, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, इससे तुमसे ये पूछेगा। इनके सेल वॉल में सेलुलोज के साथ साथ क्या होता है? सिलिका होता है, सिलिका, ध्यान रखना। अच्छा, अब ये जो, अच्छा एक पॉइंट में लिख देता हूँ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका सेल वॉल appears to be shell-like structure, shell-like. Shell मतलब समझ रहे हो? जैसे अगर तुम देखो shell होता है, shell, हाँ, shell जो होता है arthropods में भी मिलता है, shell-like structure बना लेता है, और उस shell-like structure को हम बोलते हैं frustule. Due to the presence of silica, cell wall appears to be like shell-like. Shell-like structure. तो उस shell-like structure को frustule बोलते हैं because of the silica only. ठीक है? Silica only. तो इनका जो structure होता है, soapbox-like होता है, मैंने बताया था. Soapbox-like structure. एक epitheca होती है और एक hypotheca होती है. ठीक है? अब सुनना ध्यान से. Next point सुनना. Third. Important है. इस पे question आता है. अच्छा. इनकी सेल वॉल हार्ड होती है क्योंकि सिलिका होता है. मैं लिख देता हूं. ड्यू टू द सिलिका इन लार्ज ड्यू टू द सिलिका इन सेल वॉल अपीयर्स टू बी हार्ड. सेल वॉल इज हार्ड, ऐसे लिखते हैं. सेल वॉल हार्ड होती है. ठीक है? और इवन डिस्ट्रॉय भी नहीं होती. एंड इवन डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड. आफ्टर देयर डेथ. After their death, ठीक है? वो देखो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जब डायटम्स मर जाते हैं तो भी इनकी सेल वॉल ना डिस्ट्रॉय नहीं होती है. और वो क्या काम करेगी, नीचे सी बेड पे इकट्ठा होने स्टार्ट हो जाएगी. मैं लिख देता हूं. ड्यू टू विच एट द बॉटम ऑफ सीज very large rocks of dead diatoms are formed which are known as उनको क्या बोलते हैं, डायटोमाइट. ठीक है? या फिर डायटोमियस अर्थ. इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आता है. या फिर काइजल गर्ग. अब ध्यान सुनना, ये डायटोमियस अर्थ, काइजल गर्ग, ये डायटोमी, ये क्या है, जब ये तुम्हारे डायटम्स डाई कर जाते हैं बेटा, डाई करने के बाद क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल होती है सिलिका की बनी है, हार्ड है, वो डिकम्पोज नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा जो ओशन का फ्लोर है, जो सी का बॉटम है, वो बहुत ज्यादा उसमें तुम्हारे डायटम्स की डेड सेल वॉल मिलने लग जाती है, और उस डेड सेल वॉल को बोलते हैं डायटोमियस अर्थ, काइजल गर्ग. एक बहुत अच्छी चीज होती है, इसको हम लोग ना कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें फायर प्रूफ प्रॉपर्टी होती है सिलिका की वजह से. साउंड प्रूफ प्रॉपर्टी भी होती है इसमें. तो जैसे कोई हमें ऑफिस बनाना होता है या कोई सिनेमा हॉल्स होते हैं, तो उसमें तुम देखोगे तो उनकी जो दीवारें होती हैं उसमें डायटोमियस अर्थ लगाई जाती है, क्योंकि ये फायर प्रूफ भी होता है और साउंड प्रूफ भी होता है. तो हम इसको यूज कर लेते हैं कमर्शियली. ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये वाली बात हो गई हमारी. अब सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका. इसके बाद हम आगे बात करते हैं. क्योंकि डायटम्स फोटोसिंथेटिक हैं, तो इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी मिलेगा, क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है ना ये. इनका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देख लेते हैं. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट
तो इनके अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलता है, तो क्लोरोफिल ए तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। क्लोरोफिल सी भी मिलता है, जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स में मिलता था, ठीक है। और इनके अंदर जैंथोफिल भी मिलता है, जैंथोफिल मिलता है। जैंथोफिल एक्चुअल में जो होता है वो फ्यूकोजैंथिन होता है। तो अगर एक्चुअल में पूछ ले तो मैंने वो भी लिख दिया है, फ्यूकोजैंथिन। वो ये ब्राउनिश कलर का रहता है थोड़ा, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ओशंस में सबसे ज्यादा अगर कोई फोटोसिंथेसिस करता है, समझ रहे हो, ओशंस के अंदर सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब 50% तक फोटोसिंथेसिस यही करते हैं। मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ। अब देखो कितना यूजफुल है ये जो पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 50%, बहुत होता है, 50% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस इन द बायोस्फेयर। मत बायोस्फेयर में तो तुम्हारा इसमें क्या क्या आ गया, हाइड्रोस्फेयर भी आ गया, लिथोस्फेयर भी आ गया, एटमोस्फेयर भी आ गया। तो तुम देखो कितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस करती हैं ये, और कितना ज्यादा अमाउंट में होते होंगे ये ओशंस में। तो पूरी दुनिया का 50% फोटोसिंथेसिस तो अकेले डायटम्स ही कर जाते हैं, ठीक है। तो सोचो तुम कितने इंपॉर्टेंट होंगे ये, ठीक है। तो डायटम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस आर अकम्प्लिश्ड बाय द डायटम्स, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और सुनना, अगर ओशंस में हल्का सा भी पॉल्यूशन आया, हल्का सा भी कुछ पॉल्यूशन आया, तो डायटम्स का नंबर कम होने लगता है। तो अगर किसी ओशन में या किसी वाटर बॉडी सी में डायटम्स का नंबर कम है, तो हम क्या बोलेंगे, वो जो हमारा ओशन से वाटर बॉडी है वो पॉल्यूटेड है। तो मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, दे आर वेरी गुड इंडिकेटर, वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ वॉटर पॉल्यूशन, दे आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ वॉटर पॉल्यूशन। तो वॉटर पॉल्यूशन के बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं ये, तो थोड़ा तुम्हें ध्यान रखना होगा। दे आर द वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ वॉटर पॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि पानी में पॉल्यूशन आया तो इनका नंबर गायब हो जाना, ये होंगे ही नहीं, ठीक है। तो वही बात है, इसलिए इनको बोला जाता है दे आर अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अब सुनो। ये जो नेक्स्ट पॉइंट हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान सुनना, इनका जो बेटा जाइगोट होता है ना, जाइगोट जो इनका जाइगोट बनता है, मैं लिख देता हूँ जाइगोट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, जाइगोट फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल प्रोडक्शन इन डायटम्स इज कॉल्ड एज ऑक्सोस्पोर। ये थोड़ा इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ऑक्सोस्पोर बोलते हैं। तो जो हमारा इसमें जो जायगोट बनता है इन द डायटम्स, उस जायगोट को बोलते हैं हम ऑक्सोस्पोर, ठीक है। अगर किसी बच्चे को याद हो तो मुझे बता सकते हो इसके अंदर डायटम्स में गैमेटिक मियोसिस मिलेगी या जाइगोटिक मियोसिस? गैमेटिक मियोसिस वेरी गुड बेटा, तो मतलब डिप्लॉन्टिक होते हैं। तो डायटम्स आर डिप्लॉन्टिक, गैमेटिक मियोसिस, इनके अंदर गैमेटिक मियोसिस होती है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट का, तुम्हें थोड़ा जो याद रखना है, मैंने नोट का जो सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ, इनके अंदर ना फ्लैजिला नहीं होता। दे डायटम्स में डायनोफ्लैजिलेट में तो दो फ्लैजिला थे ना, इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता। दे लैक्स फ्लैजिला, इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता, दे लैक्स फ्लैजिला, एक्सेप्ट एक्सेप्ट इन द रिप्रोडक्टिव स्टेज। इस पे भी क्वेश्चन आता है, एक्सेप्ट इन द रिप्रोडक्टिव स्टेज।
जब ये डायटम्स अपना गैमीट्स बनाते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, इनमें ये फ्लैजिला बना लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता, लेकिन जब इनमें रिप्रोडक्शन का पीरियड आता है तो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन दे फॉर्म्स द सॉरी फ्लैजिला, उनमें फ्लैजिला ये बना लेते हैं। तो अगर तुमसे ओवरऑल पूछे डायटम से फ्लैजिला है, तुम बोलोगे नहीं है, लेकिन जब ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो उस दौरान इसके अंदर क्या आ जाएगा, फ्लैजिला आ जाएगा। तो ये पॉइंट बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट था जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, इसको पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब इनका ना एक स्टोर फूड लिख लेते हैं, अब खत्म होने वाला है ये भी स्टोर फूड। ये क्या फूड को स्टोर करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं ऑयल्स को, ठीक है, और एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है ल्यूकोसिन। इस पे भी पूछ लेते हैं क्राइसो, देखो क्राइसो क्राइसोफाइट्स थे ना, क्राइसोफाइट्स थे ये, तो क्राइसोवर्स तो वहां से ले आ गया, क्राइसो लैमिनेरिया, लैमिनेरिन भी बोलते हैं इसको, तो क्राइसो से तुम समझ जाओगे, क्राइसो लैमिनेरिन ये कार्बोहाइड्रेट है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है। ऑयल्स तुम जानते हो, ऑयल्स तो फैट होते हैं ना, इनके अंदर होता नहीं है, क्या नहीं होता इनके अंदर, फ्लैजिला नहीं होता, ये तो बात पता ही है तुम लोगों को, ठीक है। अब इनके यूजेस ऑफ डायटम्स, हमारे लिए तुम्हें बताया था मैंने, इसमें डायटोमियस अर्थ मिलती है जो फायर प्रूफ और साउंड प्रूफ प्रॉपर्टी रखती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया, साउंड प्रूफ, इनफैक्ट लिखता हूँ पे डायटोमियस अर्थ, डायटोमियस और या काइजल गर्ग, ठीक है। साउंड प्रूफ और फायर प्रूफ प्रॉपर्टी तो होती है, तुम्हें बताया था फायर प्रूफ, ठीक है। सेकंड, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, बेटा ऑयल को जैसे इसके ऊपर सिलिका होता है ना, जब इसकी सेल वॉल से जब ऑयल को डालते हैं तो फिल्टर हो जाता है, तो फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स को यूज करते हैं। बस ये तो पढ़ना है, रीड करना है, स्टोन पॉलिशिंग में यूज आते हैं, स्टोन पॉलिशिंग में, हीट इंसुलेटर, फायर प्रूफ है तो हीट इंसुलेटर की तरह भी काम आएगा ना, हीट इंसुलेटर, ठीक है। इन स्टीम बॉयलर, इन स्टीम बॉयलर्स, तो ये हीट इंसुलेटर की तरह भी काम आता है बेटा। ये यूजेस थे डायटम्स के, तो एक बार ना समराइज कर लेते हैं इसको, डायटम्स को, फिर इसको खत्म करते हैं। तो समराइज करने पे सबसे पहला पॉइंट, इनका जो जो डायटम, ये हमारे क्राइसोफाइट्स हैं, क्राइसोफाइट्स दो टाइप के थे, डायटम्स गोल्डन ब्राउन, गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी में कौन है ये, डेस्मिड्स। अच्छा बेटा एक थोड़ा बात यहाँ ध्यान रखना, अगर तुमसे बोलते हैं ना गोल्डन ब्राउन एल्गा, यहाँ पे तो गोल्डन लिखा है ना बस, हमने डेस्मिड्स के लिए गोल्डन ब्राउन पूछे तो डायनोफ्लैजेलेट्स बोलना, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में केवल तुम्हें गोल्डन एल्गा नजर आ रहा है तो तुम क्या लिखोगे, ओनली एंड ओनली डेस्मिड्स। अगर क्वेश्चन में तुम्हें नजर आ रहा है कि गोल्डन ब्राउन लिखा हुआ है तो तुम डायनोफ्लैजेलेट्स पे जाओगे, ठीक है, पहला पॉइंट तुम याद रखोगे। दूसरा, इनकी जो इनका जो सेल इनकी जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, सो बॉक्स लाइक होता है, सो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। ऊपर वाली क्या होती है, एपिथीका, और नीचे वाली क्या होती है, हाइपोथीका, ठीक है, एपिथीका हाइपोथीका पे फिक्स हो जाती है। अच्छा, इनके ये जो सेल वॉल में बेटा सिलिका होता है, सेल वॉल में सेलुलोज तो है ही है ही, सेलुलोज के साथ सिलिका होता है, ठीक है, और इसकी वजह से ही सेल वॉल हार्ड होती है, शेल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, शेल लाइक स्ट्रक्चर, और उस सेल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रस्ट्यूल, ये हमने पढ़ा था, ठीक है, ओके। ये जब डाई कर जाते हैं तो ओशंस के बॉटम में ये इनका नंबर बढ़ने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायटोमियस अर्थ, डायटोमियस अर्थ, या फिर काइजल गर्ग, बिकॉज ऑफ सिलिका ओनली,
ठीक है, ये हो गया पॉइंट। हमने देखा था डायनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं अराउंड 50% फोटोसिंथेसिस कर जाते हैं ये पूरे बायोस्फीयर की। गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इनफैक्ट वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, ये दो बार लगा दिया, वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर, वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं ये। ठीक है, अच्छा और क्या पॉइंट देखा था हमने इसमें, स्टोर फूड देखा था। अच्छा, और हमने जो पॉइंट्स देखे थे इसके समरी में, इसमें जायगोट जो बनता है, जायगोट को ऑक्सोस्पोर बोलते हैं, फ्लैजिला एब्सेंट होता है एक्सेप्ट एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो फ्लैजिला तो इनमें नहीं होता लेकिन रिप्रोडक्टिव स्टेज में इनका फ्लैजिला मिल जाता है। ठीक है, हमने देखा था ऑक्सोस्पोर तो जायगोट को बोलते हैं। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, जैंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन भी बोलते हैं। स्टोर फूड क्या है इनका, ऑयल और ल्यूकोसिन, जिसको हम क्राइसो लेमिनारिन भी बोलते हैं। ठीक है, काइजल गर्ग साउंड प्रूफ प्रॉपर्टी रखता है, फायर प्रूफ प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, इंसुलेटर है, स्टीम बॉयलर्स में, स्टोन पॉलिशिंग में काम आता है। तो बेटा ये हमने पूरा का पूरा डायटम्स को समराइज कर लिया। ठीक है, समरी भी पूरी इसकी बना ली हमने। एक बार एनसीईआरटी वाले देखते हैं क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी वाले भी देखो। क्राइसोफाइट्स, तो जो क्राइसोफाइट्स हैं इसमें क्या क्या आते हैं, डायटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी कौन सी, डेस्मीड्स, और गोल्डन ब्राउन अगर पूछता है तो डायनोफ्लैजेलेट्स। ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मेराइन में भी। मेराइन में मेनली कौन है, डायटम्स। फ्रेश में मेनली कौन है, गोल्डन, डेस्मीड्स। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, प्लैंकटन। ध्यान रखना, एक पॉइंट में लिख देता हूँ, यहाँ पे पॉइंट में लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट मार्क करके। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, बेटा इसका क्या मतलब हुआ, देखो समझना, इन पे फ्लैजिला तो है नहीं, सपोज करो ये पानी है। ठीक है, इनमें कोई वाटर करंट की डायरेक्शन ये है, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ऐसे। सपोज करो यहाँ पे कोई डायनोफ्लैजिलेट है, तो डायनोफ्लैजिलेट के पास कोई चॉइस नहीं होगी, उसको भी इसी डायरेक्शन में फ्लोट करना होगा पानी के करंट के साथ, इसलिए बोलते हैं पैसिवली। लेकिन अगर अगर यहाँ पे डायटम्स का, ये डायटम है बेटा, लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट होता कोई, उस पे तो फ्लैजिला भी है दो, तो डायनोफ्लैजिलेट होता अगर उस पे तो दो फ्लैजिला भी है ना, तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट होता ना वो इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता था, इस डायरेक्शन में पानी के साथ भी जा सकता था और इस डायरेक्शन में भी कर सकता था पानी के वाटर के अगेंस्ट, तो वो एक्टिवली हो जाता। तो डायटम्स कैसे फ्लोट करते हैं, पैसिवली, बिकॉज दे डो नॉट हैव द फ्लैजिला। तो ध्यान रखना पैसिवली फ्लोट का मतलब ये है। ठीक है, इन पे फ्लैजिला नहीं होता। अच्छा एक चीज और मैं लिख देता हूँ, अगर तुमसे पूछते हैं ना ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ये जो डायटम्स होते हैं इनको ना फाइटोप्लैंक्टन्स भी बोलते हैं, फाइटो प्लैंक्टन्स, प्लांट प्लैंक, फाइटो मतलब प्लांट, प्लैंक्टन्स मतलब फ्री फ्लोटिंग। ये पानी की सरफेस पे फ्लोट करते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन फूड चेन में। तो ये जो प्लैंक्टन्स होते हैं बेटा, प्लैंक्टन्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन फ्रीली फ्लोट इन द वाटर बॉडी। ठीक है, फाइटो मतलब प्लांट से लिया गया, तो ये फाइटो प्लैंक्टन्स भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ये जो पॉइंट था, ये प्लैंक्टन, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक।
In diatoms, the cell walls form two thin overlapping shells, which fit together as a soap box. हमने डिस्कस किया था एपिथीका और हाइपोथीका. The walls are embedded with within silica and silica होता है and the walls are indestructible. भाई इनकी वॉल इंडेस्ट्रक्टेबल है क्यों है कोई बताएगा? क्योंकि इसमें सिलिका होता है और सिलिका की वजह से बहुत हार्ड होती है जिसके वजह से ये डिस्ट्रक्ट नहीं होती, इंडेस्ट्रक्टेबल है. तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो गया. ये मैंने बताया भी था तुम्हें, सेल वॉल में सिलिका है जिसकी वजह से बहुत हार्ड होती है. तो बोलेंगे कि द सेल वॉल इज इंडेस्ट्रक्टेबल. दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट. This accumulation over billions of years is referred to diatomaceous earth. Discuss kiya tha. Isko hum Kaizel Garg bhi bol rahe the. Being gritty. Gritty matlab jaise bahut zyada khudra. Just suppose karo tum logon ne sand paper dekha hoga. Sand paper dekha hai? Yes sir. Ha. To jisne nahi dekha hoga sand paper dikha dete hain. ये जो होते हैं ना सैंड पेपर, ये सैंड पेपर है बेटा सारा. ये बहुत ग्रिटी होता है. पेंटर्स यूज करते हैं इसको, पेंटर्स बहुत यूज करते हैं ना सैंड पेपर को. तो सैंड पेपर को, हाँ यस सर, हाँ. तो बेटा बहुत ग्रिटी होता है. तो ऐसे ही जो डायटम्स का सेल वॉल होती है बहुत ग्रिटी होता है. ब्रिंग ग्रिटी, दिस इज यूज इन पॉलिशिंग. मैंने बताया था स्टोन पॉलिशिंग में भी काम आते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में भी काम आते हैं. सीरियस डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूस इन द ओशंस. मैंने बताया था 50% तक फोटोसिंथेसिस कर जाते हैं. तो बेटा खत्म हो गया, इन्होंने तो बस इतना ही दिया हुआ है एनसीईआरटी वालों ने. तो ठीक है, तो ये हमारा बेटा, हम लोगों ने प्रोटिस्टा में क्या क्या पढ़ लिया. प्रोटिस्टा में हम लोगों ने जो पढ़ लिया है, हमने डायनोफ्लैजिलेट्स पूरा कंप्लीट कर लिया है. हम लोगों ने पूरा का पूरा